और जब मैं हिंदी की बात सोचता हूँ और मिरांडा हाउस के संदर्भ में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हिंदी की स्थिति कुछ कुछ वैसी ही है जैसी द टेम्पेस्ट नाटक की नायिका मिरांडा की थी। जब मॉरिस ग्वायर साहब ने इस कॉलेज की स्थापना की और इसका नाम मिरांडा हाउस रखा तो उनसे कई लोगों ने पूछा, वो उस समय डीयू के वाइस चांसलर भी थे, भारत के चीफ जस्टिस भी थे उस समय। तो जब भारत आजाद हो गया और वो चले गए यहां से, 1952 में उन्होंने एक बात की व्याख्या की कि मैंने इस कॉलेज का नाम मिरांडा क्यों रखा। तीन वजह बताई। एक वजह बताई कि एक फिल्म की हीरोइन मुझे बहुत प्रिय है, उसका नाम मिरांडा है। एक कहा कि मेरी बेटी का नाम मिरांडा है। लेकिन जो असली वजह मुझे लगता है तीसरी उन्होंने बताई, वो ये थी कि शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट में जो एकमात्र महिला करेक्टर मंच पे आती है उसका नाम भी मिरांडा है। और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मिरांडा हाउस में पढ़ने वाली लड़कियां ऐसी व्यक्ति बने। वो व्यक्ति आप मती बनिएगा, अब तो उसका महत्व रहा नहीं है, उस दौर में उसका महत्व था। कुछ कुछ छायावाद की श्रद्धा जैसी लड़कियां होती हैं वो, जो एकदम भारतीय किस्म का मिजाज नहीं होता है कि मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं सिर्फ त्याग करने के लिए पैदा हुई हूं। कुछ कुछ वैसा मिजाज उस लड़की का है, मिरांडा का। उस नाटक में एक बड़ी खास बात है, मिरांडा बहुत योग्य लड़की है, उसकी समझ बड़ी गहरी है, पर वो अपने पिता और अपने होने वाले पति, प्रोस्पेरो उसका पिता है, फर्डिनेंड उसका होने वाला पति है, वो उन दोनों के इतने कंट्रोल में है कि वो खुद को डिफाइन उन्हीं के नजरिए से करती है। बहुत योग्य होने के बावजूद उसमें आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। अपने जीवन के फैसले वो अपने आप लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अंत में लगता है कि फर्डिनेंड का फैसला उसने खुद किया है, पर आप ध्यान से पढ़े तो समझ में आता है कि वो फैसला भी उसके पिता ने ही करवा दिया है। और वो बेचारी इतनी कमजोर अपने आप को महसूस करती है। हिंदी की एक फिल्म में एक गीत आया था, एक पत्नी है जो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, सुंदर नहीं है, पति उससे प्रेम नहीं करता है, पति कहीं और प्रेम करता है। तो वो लड़की, फिल्म का नाम था नसीब अपना अपना, एकदम समझ लीजिए कि मिरांडा ही उससे बोल रही है, एकदम मिरांडा का भारतीय संस्करण है। और वह अपने पति के बारे में एक वाक्य बोलती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये उस जमाने में चलता था, आज के जमाने में तो पत्नियां पति का हिसाब बराबर कर देती है अगर कोई ऐसा करे तो, लेकिन उस जमाने में ऐसी हरकतें होती थी। और टेम्पेस्ट की नायिका मिरांडा अपने प्रेमी से, फर्डिनेंड से कह रही है, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी हूं, और नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी दासी हूं। तुम मुझे किसी भी रूप में रखो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी दासी बन के रहूंगी, नौकरानी बन के रहूंगी। और इस बात पे 16th century का ब्रिटिश समाज पागल हो गया कि लड़की हो तो वैसी, बीवी हो तो वैसी, कुछ कुछ वैसा ही जैसे भारतीय परंपरा में छायावाद में श्रद्धा जैसी नारियां हमें दिखती हैं, जो केवल देने की बात करती हैं, अपने हक की बात बिल्कुल भूल के भी नहीं करती है। हिंदी की स्थिति कुल मिला के मिरांडा जैसी है। आपको जब भी समझना हो कि हमारी भाषा किस हालत में है, तो हमारी भाषा द टेम्पेस्ट की मिरांडा की हालत में है। ताकतवर है पर उसको ताकत का एहसास नहीं है, समझदार है पर उसको किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी समझदार हो, खुद फैसले कर सकती है पर उसके नाम पर फैसले लेने वाले खुद इतने समझदार नहीं है कि उसके महत्व का अनुमान कर सके। अपने ही मठाधीशों से घिरी हुई, अपने ही परिवार के उलझुल निर्णय करने वालों की दासी बनी हुई, कुछ कुछ वैसी स्थिति हिंदी